Maria? Ellen? Maria? Ellen? मजा आया ना? बहुत खेला ना? मारिया, तुम एलिन को लेकर कहाँ चली गई थी? अरे तुम्हें मालूम तो है, हम लोग गार्डन में घूमने गए थे। ये कोई टाइम है गार्डन में टहलने का? मैंने कितनी बार कहा है कि एलिन को लेकर कहीं भी जाओ तो मुझसे पूछ तो लिया करो। Why are you so tensed? तुम इतनी घबरा क्यों जाती हो? अरे सारे घर में ढूंढा, ऊपर नीचे यहाँ वहाँ, घबराऊंगी नहीं क्या? हम लोग आ गए ना वापस, नाउ रिलैक्स। Do you know, Maria? हमारा एलेन अब 5 साल का होने वाला है। He's going to be 5 years old. And day after tomorrow, yani perso, एलेन की birthday है। Oh, really? Do you know how important एलेन's birthday is for me? I can't even describe it to you. It's very, very valuable. I can understand. मैं समझ सकती हूँ। No, you can't understand. एक मदर की इमोशन एक मदर यानी माँ ही समझ सकती है, और मैं एलेन की माँ हूँ और एलेन मेरा बेटा। क्यों बेटा? लेट मी टेल यू ब्रिगेट, तुम जिस तरह से एलेन के लिए इमोशंस दिखाती हो, जिस तरह एलेन के लिए रिएक्ट करती हो ना, मुझे बहुत अजीब सा लगता है। आई फाइंड इट वेरी ड्रामेटिक। तुम्हें ये सब ड्रामा लगता है? अगर तुम मेरे लिए कभी कुछ अच्छा नहीं बोल सकती तो बेटर होगा कि तुम अपना मुंह ही बंद रखो। तुमने मुझे ना कभी समझने की कोशिश की, ना कभी समझोगी। मैंने तुम्हें नाराज करने के लिए ये सब नहीं कहा था। You know I'm very frank. मुझे जो लगता है मैं बोल देती हूँ। बोलने के पहले सोचो तो करो कि तुम्हारी बात किसी को हर्ट भी कर सकती है। तुम मेरी सिस्टर होकर इस तरह की बात कैसे कर सकती हो? देखो मैंने तुम्हें कहा ना, मैं कोई बात अपने दिल में नहीं रखती। आई एम वेरी फ्रेंक, ये मेरी पुरानी आदत है। मैं सच बोल देती हूँ और सच हमेशा कड़वा लगता है। Now leave it. अब ये बताओ कि एलेन की बर्थडे कैसे मनानी है? एलेन की बर्थडे तो मैं परसों बहुत धूमधाम से मनाने वाली हूँ। अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और नेबर्स सबको इनवाइट करूंगी। एंड इट्स गोइंग टू बी अ ग्रैंड पार्टी। लेकिन ये सब तुम अकेले कैसे करोगी? ऑलिवर तो यहाँ है नहीं? हाँ ये प्रॉब्लम तो है। मैंने ऑलिवर को साउथ अफ्रीका जाने से पहले कहा था कि एलेन की बर्थडे से पहले वापस आ जाना। वो ना तो आया है, ना ही उसने फोन करके बताया है कि वो कब आ रहा है। तो तुम ही उन्हें फोन करके पूछ लो ना कि बर्थडे पे आ जाएंगे कि नहीं। आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। आई विल रिंग हिम अप। मैं उसे फोन करती हूँ। क्यों एलेन, चले पापा को फोन करें। आ जाओ, चलो चलो बेटा पापा को फोन करते हैं। आओ। हेलो, कुड आई स्पीक विद मिस्टर ऑलिवर प्लीज? या थैंक यू। हाय, हाउ आर यू डार्लिंग? या वी ऑल आर वेल हियर। या एलेन इज फाइन टू। नाउ टेल मी, आप वापस कब आ रहे हो? इट्स एलेन्स बर्थडे डे आफ्टर टुमारो। एलेन से बात करो, स्पीक टू हिम। एलेन, पापा, पापा बोलो ना। पापा? हाँ पापा से बात करो। पापा आप कैसे हो? या वी आर मिसिंग यू, कम बैक सून। ओके बाय, सी यू। अरे वाह, पापा को तो बहुत पहचान लिया तुमने। और कैसे कहा पापा? अब मुझे मम्मा बोलो ना। मामा बोलो, बोलो ना मम्मी, प्लीज मम्मी बोलो, बोलो ना मम्मी, प्लीज एलेन माय सन, मामा बोलो ना। मारिया मुझे समझ नहीं आता, मैं इतनी कोशिश करती हूँ, ये मुझे कभी मम्मी क्यों नहीं बोलता? वो कैसे मम्मी बोलेगा तुम्हें जब तुम उसकी माँ हो ही नहीं? मारिया तुमने फिर वही बात शुरू कर दी। ब्रिगेड तुम्हें इस बात को लेकर इतनी तकलीफ हो रही है कि एलेन तुम्हें मम्मा नहीं कहता,
लेकिन तुमने कभी उस माँ की तकलीफ के बारे में सोचा है जिसने इसे पैदा किया है? तुम्हें मुझसे ज्यादा उसकी फिक्र है? हाँ, क्योंकि मैं ये सोचकर ही परेशान हो जाती हूँ कि वो माँ जिसने एलन को जन्म दिया है उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। परसों एलन का बर्थडे है, ये 5 साल का होने जा रहा है और ये अपनी माँ से कितनी दूर आ गया है। मारिया, एलन की माँ मैं हूँ जो उसके पास हूँ और हमेशा रहूंगी। जो उससे दूर है वो उसके पास कभी नहीं आएगी। उसके साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है। यही समझने में तुम भूल कर रही हो ब्रिगेड। तुम्हें पता ही नहीं कि माँ और बेटा चाहे कितने दूर हो जाए कभी अलग नहीं होते। माँ और बेटे का रिश्ता जन्म जन्मांतर का रिश्ता होता है, खून का रिश्ता होता है। जब तुम ये समझने लगोगी कि माँ का दर्द क्या होता है तब तुम्हें पता चलेगा कि माँ क्या होती है। Oh my baby, Ellen. Oh, I love you, baby. Oh my baby, my sweetheart. कुंती, तुम यहाँ अकेली बैठी क्या कर रही हो? कुछ नहीं। तो चलो ना, आज हम लोगों ने आश्रम की साफ सफाई का बीड़ा उठाया। और हाँ, सरला दीदी ने कहा है कि सारा काम तुम्हारी निगरानी में होना चाहिए। अच्छा ठीक है, तुम लोग चलो, मैं आती हूँ। क्या बात है कुंती, तुम उदास क्यों बैठी हो? माया, ये उदासी तो अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई है। मैं चाहकर भी इस उदासी को अपनी जिंदगी से दूर नहीं कर सकती। कुंती, इसलिए तो हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ते। और हमारे साथ काम में लगी रहोगी तो तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। नहीं रमा, प्लीज इस वक्त तुम लोग मुझे अकेला छोड़ दो। कुंती, ये तुमने क्या बनाया है? मैं हर साल कर्ण के नाम पर कुछ बनाती हूँ। परसों उसका जन्मदिन है ना? कुंती, परसों क्या करण का जन्मदिन है? मैं उसी के बारे में बैठी सोच रही थी। कर्ण के नाम पर बनाया ये स्वेटर मैं उसके जन्मदिन पर किसी को दान दे दूंगी। परसों कर्ण का जन्मदिन है और तुम उदास हो? ये उदासी मजबूर और लाचार माँ की है माया, जिसके बच्चे का जन्मदिन आने वाला है और उसकी माँ उसके पास नहीं। कर्ण को इस आश्रम से गए हुए पूरे 5 साल हो गए ना कुंती? पूरे 5 साल। न जाने कैसा दिखता होगा, अब तो बोलने भी लगा होगा ना। इन 5 सालों में मैंने अपने बच्चे की एक झलक तक नहीं देखी माया। हम तुम्हारी तकलीफ समझ सकते हैं कुंती, लेकिन हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो कोई कुछ कर सकता था वो भी मेरी मदद करने के लिए कहाँ तैयार है? एक माँ की भावना को कोई भी समझने के लिए तैयार नहीं है। हर कोई चाहता है कि मैं अपने बच्चे को भूल जाऊं। तुम बताओ, एक माँ अपने बच्चे को भूल सकती है क्या? लेकिन कुंती, तुम कब तक कर्ण की याद में यूं ही तड़पती रहोगी? जब तक मुझे मेरा बेटा वापस नहीं मिल जाता। रमा, मैं हर साल कर्ण के जन्मदिन पर भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान, आप एक माँ का चाहे जितना इम्तिहान ले लीजिए, लेकिन मैं कर्ण को पाने की, उससे मिलने की उम्मीद नहीं छोड़ सकती। कुंती, अरे आप यहाँ? हमारी जरूरत लेकर आई है कुंती। हम तुमको एक ऐसी बात बताने आए हैं जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं थी। अच्छा कुंती, हम सब लोग चलते हैं। हाँ कुंती, तुम्हारा दिल करे तो आ जाना, वरना कोई बात नहीं, हम सब लोग सारा काम देख लेंगे। ठीक है, चलो।
तुम्हें जरूर हैरानी हो रही होगी कि हम तुमसे ऐसी कौन सी बात करने आए हैं। जी नहीं, मुझे आपकी बात का पूरा अंदाजा है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हमें कोई भूमिका बांधने की जरूरत ही नहीं है, हम अपनी बात सीधे ही कह देते हैं। जानती हो, तुम्हारी और रोहित की कुंडलियां मिल गई है। पंडित जी ने कहा है कि यह बहुत ही अच्छी बात है कि दोनों की कुंडलियां मिल गई हैं। कहीं कोई बाधा नहीं, कोई रुकावट नहीं। पंडित जी ने जब कुंडली विचारने के बाद हमें यह सब बताया, हम तो खुशी से झूम उठे। मालूम है कुंती, कई बार कुंडली न मिलने के कारण बहुत अच्छे रिश्ते भी शादी के मंडप तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन तुम्हारे और रोहित के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई बाधा नहीं। तुम सुन रही हो ना कुंती? जी मैं सुन रही हूं। कुंती, ऐसी कुंडलियां बहुत ही तकदीर वालों की मिलती है। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं, इतनी शांत क्यों हो, कुछ तो बोलो। मैं क्या बोलूं, मुझे जो कुछ भी बोलना था वो मैं बोल चुकी हूँ। देखो कुंती, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी लड़की अपनी शादी की बात खुद नहीं करना चाहती, शर्म लिहाज का बंधन उसे रोकता है। जी नहीं, ऐसा कोई बंधन नहीं, आप गलत समझ रही हैं। तो फिर इस चुप्पी की वजह क्या है? देखो कुंती, जो फैसला सिर्फ हमारा था, अब वो कुंडली मिल जाने की वजह से बिल्कुल पक्का हो गया है। हम बहुत खुश हैं और शादी की तैयारियां जल्दी से जल्दी शुरू कर देना चाहते हैं, इसीलिए हम तुम्हारे पास आए हैं। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो हम शादी की तैयारियां शुरू करते हैं। माफ कीजिएगा, मैं इस वक्त इस विषय पर आपसे कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन क्यों, इसकी कोई वजह? देखिए, मैं इस वक्त अपने बच्चे के ख्यालों में डूबी हुई हूँ। परसों कर्ण का जन्मदिन है और मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी ऐसी बात हो जो मुझे मेरे बच्चे के ध्यान से हटा दे। I'm so sorry. हमें मालूम नहीं था कि तुम्हारे बच्चे का जन्मदिन आने वाला है। अब तो आपको पता चल गया है ना, प्लीज आज जब मेरा बच्चा मेरे पास नहीं है तो मैं उसे याद करके अपने आसपास महसूस करना चाहती हूँ। मैं उस हर पल को याद करना चाहती हूँ जब वो मेरे पास था, हर उस लम्हे को जीना चाहती हूँ जब वो मेरे पास था, मेरे करीब। एक माँ होने के नाते हम तुम्हारी ममता को समझ रहे हैं, लेकिन जो सवाल हम लेकर आए हैं उन सवालों का, प्लीज मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं। आज मेरे सामने सबसे बड़ा सवाल मां की ममता, उसकी भावना और स्वाभिमान का है। हर कोई मां की ममता, उसके स्वाभिमान को अपनी इच्छाओं से रौंद देना चाहता है, लेकिन मैं मां की ममता का चिराग जलाकर अपने बच्चे का जन्मदिन मनाने की पूरी तैयारी करूंगी। कि आप यहाँ? नमस्ते। नमस्ते। असल में आपसे फोन पर बात करने के बाद हमसे रहा ही नहीं गया, हमने सोचा कि हम जाकर खुद कुंती को बताएंगे कि उसकी और रोहित की कुंडलियां मिल गई हैं। आप कुंती से मिली, उसे बताया? हाँ, हम मिले तो सही उससे, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसके साथ यही तो परेशानी है, ना खुद जवाब देगी ना ही दूसरे की कही सुनेगी। हमें लगता है कि हम गलत वक्त पर आ गए। इस समय कुंती अपने बेटे करण की याद में है। सरला जी, परसों उसका जन्मदिन है ना? अरे हाँ, तभी मैं सोचूं कि अचानक इतनी चुप चुप सी कैसे हो गई। अब तो इस जन्मदिन को लेकर वो और परेशान होती रहेगी।
मिसेस रस्तोगी, जब तक ये दिन बीत नहीं जाते उससे फायदा नहीं ये बात करने का कोई। सरला जी, एक बात हमारी समझ में नहीं आती, अगर कुंती को अपने बेटे से इतना लगाव था तो उसे गोद क्यों दे दिया? वो कहाँ गोद देना चाहती थी, उसने तो अपने बच्चे के साथ पूरी जिंदगी बिताने की तैयारी कर ली थी।